मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पर्सनली पूछा है कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो क्यों नहीं ला रही हूँ, मेकअप को लेके मेरा क्या नॉलेज है, मैं कैसे मेकअप करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको मेकअप के बारे में बेसिक चीजें जाननी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर फायदेमंद होने वाली है। हेलो ब्यूटीज, आई एम संचिता, वेलकम ऑन माय चैनल योर दिलवाली गर्लफ्रेंड। क्या आप लोगों को मेकअप करना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के बाद लगाना होता है ये नहीं पता है? क्या आप लोगों ने मेकअप का सामान तो खरीद रखा है, पर जब भी लगाने जाते हो मेस्टअप हो जाते हो? या तो फिर आप लोगों को मेकअप के प्रोडक्ट के नाम तो पता है, पर कौन सा प्रोडक्ट फेस के किस पोर्शन पे लगाना होता है और किसके बाद किसको अप्लाई करना होता है ये पता नहीं है, और इसकी वजह से आप लोग मेकअप से दूर भागते हो? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप बेस मेकअप ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट का नाम क्या होता है और वो फेस की किस पोर्शन में कितनी क्वांटिटी में लगाया जाता है, बिना लाउड करके भी कैसे नेचुरल लुक्स पा सकते हो। बिना बात को बढ़ाए शुरू करते हैं मेकअप का पंचांग। तो सबसे पहले तो जब भी आप लोग मेकअप करना स्टार्ट करोगे ऐसा एक बैंड लगा लेना, ताकि बाकी जो मेकअप की जो सामान है, फाउंडेशन हो गया, क्रीम हो गया, आपके बालों के ऐसे एजेस में ना लगे, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा सफेद हो जाती है। तो इसीलिए एक बैंड लगा लो फॉर अ प्रोटेक्शन। बैंड लगाने के बाद मैं जो करने वाली हूँ वो है, ये है टोनर। आप किसी भी ब्रांड की ये टोनर यूज कर सकते हो, क्योंकि मेकअप करने से पहले आप लोगों को फेस को मॉइस्ट करना बहुत जरूरी होता है, और हमेशा मेकअप करने से पहले किसी भी फेस वॉश से अपना मुंह धो लेना। और टोनर को ऐसे कॉटन में भी लगा सकते हो जो क्रीम वाटर वाले टोनर होता है, और ये स्प्रे वाला टोनर है जो आपको ऐसे लगा सकते हो। टोनर लगाने के बाद आप कोई भी क्रीम लगा सकते हो, और ये फेस सीरम ऐसे लगा सकते हो, ये डम डॉग की फेस सीरम है। फेस सीरम आपको क्या होता है कि आपकी फेस में जो एक ग्लोइंग स्किन है वो आपको निखार के आता है, और एंटी एजिंग फेस सीरम भी मिलती है जो आपकी जो एंटी एजिंग जो रिंकल्स होता है वो छुपा देती है, और ये फेस सीरम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसको अगर आप रात को भी सोने से पहले लगा के सो तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो अगर मेकअप करने से पहले आप सुबह या फिर शाम को थोड़ा सा फेस सीरम लगा सकते हो फॉर अ मॉइस्चर ऑफ योर स्किन। ये है एलोवेरा जेल। किसी भी ब्रांड का आप लोग एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। एलोवेरा जेल वो ही फेस का थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए ये एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा काम आता है। जब भी आप मेकअप करोगे और जब भी आप कोई प्रोडक्ट लगाओगे अपने नेक को भी जरूर मॉइस्ट कर लेना। जब कोई मेकअप यूज करते हैं तो ऐसे इतना तक करते हो नहीं, ये भी करना होता है, क्योंकि नहीं तो एक टोन और शेड पूरा पता चलता है कि आपने यहाँ पे मेकअप नहीं किया और आपने यहाँ पे मेकअप किया है। जब भी मेकअप करो, जब भी कोई क्रीम लगाओ, नाइट क्रीम लगाओ, कोई भी क्रीम लगाओ, फेस के साथ अपने नेक को भी क्रीम जरूर लगाना। एलोवेरा जेल लगाने के बाद और अपना सीरम लगाने के बाद सबसे पहले आप लगाना ये प्राइमर। प्राइमर आपके फेस में एक अच्छी सी बेस बना देती है। तो पहला प्राइमर, और प्राइमर बहुत ज्यादा नहीं लेना होता है, थोड़ा सा ही लेना होगा। मैं यूज कर रही हूँ NY की प्राइमर। प्राइमर बेस मेकअप में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट और पहला प्रोडक्ट होता है। जब भी आप लोग प्राइमर अप्लाई करोगे अपने फोरहेड, चीक्स और चिन में अच्छे से अप्लाई करना, और उसके बाद ही दूसरा कोई प्रोडक्ट आप अप्लाई करोगे। अगर आप लोग मॉर्निंग में मेकअप कर रहे हो और चाहते हो थोड़ा सा लाइट मेकअप हो तो सनस्क्रीन के साथ दूसरा कोई BB क्रीम मिक्स करके अपने फेस में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग रात में मेकअप कर रहे हो तो ज़रूर फाउंडेशन यूज़ करना। तो मैं ये डेमो आप लोगों को फाउंडेशन यूज़ करके ही दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ये फिटमी का फाउंडेशन। जब भी आप नया फाउंडेशन लोगे ध्यान रखना कि वो फाउंडेशन आपके फेस के शेड से 2 शेड ब्राइट ही होना चाहिए। अब मैंने फाउंडेशन ले लिया है, अब ब्रश की मदद से मैं इस फाउंडेशन को अपने फेस में अच्छे तरीके से अप्लाई करूंगी ताकि फेस का कोई भी हिस्सा छूटे ना। और अपने नेक एरिया में भी फाउंडेशन ज़रूर अप्लाई करना, पर आंखों के नीचे वाले एरिया को इग्नोर करना। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं फाउंडेशन को अपने फेस में अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि फाउंडेशन पूरे फेस में अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर। मैंने ले लिया ये NY की कंसीलर। कंसीलर आपके
फेस में जितने भी पैचेस है, जितने भी डार्क सर्कल्स एरिया है, जितने भी डार्क पैचेस है वहाँ पे अप्लाई होगी। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि ये फेस में अच्छे से सेट हो जाए। अब बारी है फेस कंटूर की। फेस कंटूर आपकी फेस को एक प्रॉपर शेप देती है। मैं यूज कर रही हूँ स्टेक वैरी की ये फेस कंटूर। जैसे कि आप फेस कंटूर को अपने फोरहेड, चीक्स और डबल चिन एरिया पे अप्लाई कर सकते हो, तो मैं ब्रश की मदद से फेस कंटूर को अपने फोरहेड, चीक्स एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। पर इस टाइम पे ध्यान रखना, आपके आईबॉल के नीचे तक के चीक्स एरिया पे ही आप फेस कंटूर अप्लाई करोगे, और जिन लोगों की डबल चिन है वो अपने चिन एरिया पे फेस कंटूर अप्लाई कर सकते हो। अपने नोज को प्रॉपर शेप देने के लिए भी फेस कंटूर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने नोज पे भी फेस कंटूर अप्लाई करने वाली हूँ। जहाँ जहाँ पे मैंने फेस कंटूर अप्लाई किया है, एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं उन एरियाओं को अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी ताकि मेरी फेस को एक प्रॉपर शेप मिले। पर जब भी आप कंटूरिंग को ब्लेंड करोगे, ध्यान रखना उसके आगे पीछे ब्लेंडर को मत ले जाना, बस उसी लाइन तक ही आप अच्छे से ब्लेंड करना, नहीं तो आपकी फेस को प्रॉपर शेप नहीं मिलेगी। अब बारी है लूज पाउडर की। मैं यूज कर रही हूँ NY का ये बनाना लूज पाउडर। याद रखना, फाउंडेशन, कंसीलर और कंटूर अप्लाई करने के बाद ही फेस में लूज पाउडर अप्लाई की जाती है। जब भी आप लूज पाउडर अप्लाई करो, अपने फेस के साथ साथ अपने नेक एरिया को भी जरूर कवर करना। और लूज पाउडर ज्यादा बिल्कुल मत अप्लाई करना, थोड़ा सा ही लूज पाउडर ब्रश की मदद से आप फेस में अप्लाई करोगे। अब मैं यूज कर रही हूँ फिनिशिंग पाउडर। मैंने ले लिया M&M का ये नेचुरल फिनिशिंग पाउडर। पाउडर दो तरीके की होती है, एक है सेटिंग पाउडर, दूसरा है फिनिशिंग पाउडर। सेटिंग पाउडर आपके मेकअप को लास्ट लॉन्ग रखने में मदद करती है, वही फिनिशिंग पाउडर आपके मेकअप को एनहेंस करती है। पर जब भी आप फिनिशिंग पाउडर अप्लाई करो, इस चीज का ध्यान रखना कि कंटूर वाले एरिया को छोड़ के ही आप फिनिशिंग पाउडर अप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अब मैं यूज करूंगी शुगर की ये कंटूर हाइलाइटर और ब्लशिंग पाउडर। कंटूर पाउडर की मदद से मैं अपने कंटूरिंग एरिया को और भी थोड़ा सा बोल्ड करूंगी ताकि मेरा जो फेस है वो और भी प्रोमिनेंट दिखे। उसके बाद ब्लशिंग पाउडर की मदद से मैं अपने चीक एरिया को थोड़ा सा ब्लश करूंगी। पर याद रखना, जब भी आप ब्लशिंग पाउडर अप्लाई करो, हल्का सा ही ब्लशिंग पाउडर अप्लाई करना। अब बारी है आई मेकअप की। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये मिनी आई शेडो पैलेट। आई शेडो अप्लाई करने के वक्त इस चीज का ध्यान रखना, पहले आई शेडो अपने अपर आईलिड में अप्लाई करना, उसके बाद आप लोअर आईलिड में आई शेडो अप्लाई करोगे। पर ध्यान रखना कि आई शेडो आईलिड के बाहर बिल्कुल ना जाए, और अगर आप चाहो तो आई शेडो को अपने आंखों के नीचे वाटर लाइन के बाहर हल्के से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं लुक को कंप्लीट करने के लिए यूज कर रही हूँ ये व्हाइट काजल। मेरी मेकअप को फाइनल लुक देने के लिए अब मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का ये वाटरप्रूफ हाइपर कर्ल मस्कारा। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये आईलाइनर। अगर आप चाहो तो आप लिक्विड आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। लिप्स के लिए मैं जो प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ वो है NY बाई की 5-in-1 मैट लिपस्टिक। इसकी शेड और कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जो प्रोडक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है फिक्सिंग स्प्रे। फिक्सिंग स्प्रे आपके मेकअप को सेट करने में और लॉन्ग लास्टिंग रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो मैं यूज कर रही हूँ रॉन्जिल की फिक्सिंग स्प्रे। पर ध्यान रखना, जब भी आप फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई करो, अपने आंखों को बंद रखना और बिल्कुल मत खोलना। अब मैं जो प्रोडक्ट अप्लाई करने जा रही हूँ वो है हाइलाइटर। हाइलाइटर आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और सभी को पसंद आती है। आप चाहे तो लिक्विड हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, पर मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये पाउडर हाइलाइटर। हाइलाइटर आपकी फेस के उन हिस्सों में अप्लाई होती है जहाँ पे आपकी फेस हाईलाइट होती है, जैसे अपने नोज, चीक्स, चिन और फोरहेड। चीक्स में जब आप लोग हाइलाइटर अप्लाई करो तो अपने कंटूर और ब्लशर के ऊपर के हिस्से में ब्रश की मदद से हल्के से हाइलाइटर अप्लाई करना,
और अपने नोज, चिन और फोरहेड एरिया में भी वैसे ही हाइलाइटर आप अप्लाई करोगे। तो ये रही मेरी फाइनल लुक। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है। इस लुक को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे नाइट कॉन्सर्ट में, डिनर डेट में, या फिर नाइट फंक्शन में, या तो फिर दोस्तों के साथ गेट टुगेदर में। अगर मेरी ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे ऐसे नए ट्यूटोरियल लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में, नए किसी ट्यूटोरियल के साथ। टिल नाउ, बाय बाय।